ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं सेजिटेरियस। सो इस हफ्ते टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड आ रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स मत बनाइए, नेगेटिव लोगों से बच के रहिए। अपने जो भी डिसीजन है ना, वो लॉन्ग टर्म का सोच के बनाइए, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी ट्रस्ट, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। इट्स ग्रेट टाइम, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, चेंज इन करियर और इन्वेस्टमेंट इन मनी, अंडरलाइन इट, ठीक है। दैट अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और इट्स ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, कुछ नया सीखने के लिए, या चेंज इन करियर, जॉब, इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग, ठीक है। और एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनाइए, और अपने जो प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स, वो लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए। जो नेगेटिव ऑफकोर्स, जो आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि दे यू नो ब्रिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी, तो ऐसे लोगों से डिस्कस मत कीजिए। ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन है वो ओपन अप हो सकती है, मे बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि किसी के साथ यू नो आपकी जो बात है वो शुरू हो सकती है। करियर एडवांसमेंट के लिए काफ़ी चेंज दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस के लिए, आई थिंक ये अच्छा टाइम है। प्रिजर्वेरेंस, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग, आपको एक वक्त ऐसा हो सकता है, एंजल्स कह रहे हैं आपको ऐसा महसूस हो कि अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है, बट ठहर जाइए ज़रा। एंजल्स कह रहे हैं कि देर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, ठीक है। सो डोंट गिव अप, एकदम से परसेप्शन नहीं बना लेते कि अरे कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। थोड़ा कभी कभी यू नो एंजल्स का अपना एक तरीका होता है, यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है। मैनिफेस्टेशंस, अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, आपकी जो विशेज़ हैं वो आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखेंगी, या ऑलरेडी हो सकता है कि वो प्रोसेस शुरू भी हो चुका हो। चलिए फटाफट आगे से देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप वाइज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम, क्या चल रहा है। ओके, सो सेजिटेरियस, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक ठीक है, आप एफर्ट्स तो पुट कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर मोर ग्राउंडेड, ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो यू सीम टू बी अ वेरी बिजी पर्सन, आप बहुत बिजी हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कहीं कहीं कभी कभी आप बहुत थक भी जाते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, बट स्टिल ऐसा लगता है कि आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे वो आ रही है आपके अंदर, आउटर एंड इनर स्टेबिलिटी बोथ वेज। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे स्टिल होल्ड अ सॉफ्ट स्पेस फॉर यू, आपके यू नो उनके मन में आपके लिए वो एक सॉफ्ट स्पेस है, बट ड्यू टू व्हाट हैपन्ड इन द पास्ट ना, हो सकता है कि लाइक आप लोगों के बीच में कोई बात हुई हो या ऐसा कुछ, लाइक स्टिल एक है वो मन में जो वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। क्या चाहते हैं ये पर्सन? ऑफ कोर्स आई थिंक ये जो पर्सन है ना, चाहते तो रिकंसिलिएशन है, मे बी इट्स अबाउट परमानेंट, और मे बी इट्स अबाउट कि ना वो लेट गो कर पा रहे हैं रिलेशनशिप को, ना वो कुछ ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा अभी कुछ वो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये ज़रूर है कि उनके मन में ये फीलिंग्स हैं कि वो रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ऐसी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, और हो सकता है क्योंकि ये ऑन ऑफ चल रहा हो, तो उनका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा ऑन ऑफ है इस वजह से, सिचुएशन की वजह से, ठीक है ना। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक इट्स अबाउट चीज़ें जो दोबारा पिकअप हो सकती हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि नई शुरुआत है किसी के लिए, हो सकता है कि इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग और अ रीस्टार्ट, ऐसी सी एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हों एंड अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हों। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस यहाँ पे हमारे पास थोड़ी मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट ऑफकोर्स पैशनेट न्यू बिगनिंग। एंगेजमेंट, वाओ, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, ठीक है ना, कि लाइक
आप इंगेज हो सकते हैं, एक्सप्रेस योर लव, अट्रैक्शन दिखाई दे रही है आपके अपने पार्टनर के साथ, जो रिलेशनशिप है वो यू नो रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग. इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग जो है वो पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है. एंगेजमेंट, आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक तो ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं. दूसरा ये कि गो हैड, आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए और अपनी नई शुरुआत कीजिए या रीस्टार्ट कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है. और दूसरी बात ये कि आप अपनी लाइफ में लव तब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब आप खुद यू नो कनेक्टेड रहते हैं खुद से भी. यू हैव टू कनेक्ट, और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं. अगर आप ऑल द टाइम अपने आप को यू नो ऐसे रखेंगे क्लोज ऑफ, तो वो कुछ नहीं होगा. सो यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इन्जॉइंग दिस मोमेंट. तो जो अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में, एंजल्स कह रहे हैं जस्ट इन्जॉय दैट मोमेंट विद योर पार्टनर. चलिए, ये तो हो गया लव लाइफ की बात सेजिटेरियस के लिए. अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द करियर. सो करियर वाइज, ओ सो यहाँ पे हमारे पास कुछ दिखाई दे रहा है, मे बी अ चेंज और अ ट्विस्ट. यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि इट्स अबाउट, लोग ना आपसे खुश नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि देर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल जेलस ऑफ यू, आपके यू नो टांग अड़ाना ये वो ऐसे वैसे. मेक श्योर कि अगेन ऐसे लोगों से आप बच कर रहें, बट यू डू योर बेस्ट, ठीक है ना. आप अपना काम करते जाइए, यू डिज़र्व समथिंग गुड. कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं, एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक समथिंग लाइक वर्थ, कुछ एक्साइटिंग है, कुछ आगे आप बढ़ सकते हैं इन योर फील्ड. ओके, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल. जजमेंट, कि हाँ जजमेंट टाइम है, दैट मीन्स कि कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं आगे चल के सेजिटेरियस. और हो सकता है कि आप कुछ इस चीज़ को देखिए, अभी हमने कार्ड्स भी निकाले थे ना, लाइक कि हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, ठीक है. हमारे पास बर्न आउट का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स कि आपके जो हार्ड वर्क है वो उसके रिजल्ट्स आपको जल्दी ही दिखेंगे, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं किसी चीज़ को लेके. सो अगेन वही है कि इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. और आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो डिसीजंस यू नो लॉन्ग टर्म का सोच के लेके चलिए, और वो एंजल्स जो है वो आपको टाइम दे रहे हैं. तो देख लेते हैं फटाफट किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है. एक्सप्लोरिंग मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे. पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू. तो आपका पर्पस है, एंजल्स कह रहे हैं एक्सप्लोर दैट, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट, मे बी दिस इज़ नॉट द प्लेस, ये प्लेस नहीं है या ये वो पर्पस नहीं है. यू आर मेंट टू डू समथिंग. आप कुछ लाइक ऑब्वियसली हर इंसान इस धरती पे आया कोई ना कोई वजह से आया, ठीक है, पर्पस की वजह. तो वो चीज़ है, उसको अंडरस्टैंड कीजिए. आई अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न. कुछ आपके रिश्ते कुछ ऐसे हो सकते हैं, आपके अराउंड कोई हो सकता है जो आपको ये याद दिलाने में या ये यू नो क्लियर करने में आपकी हेल्प करें. तो अगर कोई आपके अराउंड है जो आपको पुश करता है कि नहीं, मोटिवेट करता है कि डू दिस और डू दैट, और आपकी कोई हेल्प कर रहा है, वो डिवाइन हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, जो आपके पोटेंशियल को पहचानते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि भैया ये करो, तो उनको उनको सुनिए, उनको मानिए, ठीक है. अब वो इन एनी वे, बट येस यू हैव अ पर्पस एंड दिस इज़ द पीरियड एंड इट्स लाइक अ वेकअप कॉल फ्रॉम द एंजल्स कि ये टाइमिंग है, इसको यू नो यूटिलाइज कीजिए. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल. और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम.